Hello everyone, kaise aap all? I hope you all are doing very well at your home. It's very cold these days, and I hope you all are taking care of your health and your family as well. So, I wish you all the best for your health. I welcome you all to this seventh spoken English practice class, and this is, as I said, you right now, this is the class number seven. And in this today's class, I'm going to make you understand, I'm going to help you to practice using shall be and will be. yes my डियर फ्रेंड्स दीज टू हेल्पिंग वर्ब्स आर वेरी important टू यूज when यू आर यूजिंग sentences ऑफ फ्यूचर टाइम जब आप फ्यूचर टाइम की बात करेंगे तो इन दोनों हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करके आपको सारी चीजें बतानी होंगी जैसे कि हम पिछली कुछ क्लासेस से करते आ रहे हैं टू बी को हम सीख रहे हैं अभी और टू बी में प्रेजेंट में हमने यूज किया था एज एम आर पास में यूज किया था हमने वॉज एंड वर्ड एंड इन दिस टूडे लेसन यू विल लर्न हाउ टू यूज सेंटेंसेज ऑफ फ्यूचर जबकि हमें फ्यूचर की जब हम बात करनी होगी तो हम यूज करेंगे या तो शैल बी या नहीं तो यूज करना होगा विल बी शैल और विल को लेके जो दो कॉन्सेप्ट बताई गई हैं उन दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है अपनी लास्ट वीडियो में <coughs> तो आप जरूर जाके चेकआउट कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि हम कैसे किस तरीके से सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद हम विल या शैल अप्लाई करते हैं तो चलिए आज के इस लेसन को हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली विद सेवेंथ प्रैक्टिस क्लास और आज हम सीखने वाले हैं शैल बी और विल बी को कैसे यूज करें सो विदाउट एनी फर्दर डिले नाउ Let's get started. आगे चलने से पहले आपको बता दूं और विल बी, हम दोनों वो आपको यूज कर रहे हैं बी के के बात को बताने के लिए बी क्या है वही पर जनरल इंफॉर्मेशन नो एक्शन राइट ये सारी चीजें आपको कुछ दिमाग में आप बैठा लीजिए नो no एक्शन यानी कि एक्शन की वहां पर बात बिल्कुल नहीं होती है तो ऐसे ही कुछ बातें जो हमें फ्यूचर में बताना है और बट वहां पे एक्शन ना हो कुछ जनरल इंफॉर्मेशन कुछ कंडीशन वाली चीजें हो स्टेट ऑफ वेल बींग हो तब हम बोलेंगे या तो शैल बी या तो विल बी इन दोनों को यूज करके सेंटेंसेज हमें फ्रेम करना आ जाएगा इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड तो शैल बी और विल बी को यूज करने के लिए आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए वेन यू आर यूजिंग यू हैव टू चेज द सब्जेक्ट अगर आई और वी आपका है सब्जेक्ट तो आप शैल बी यूज करिए अगर कोई और सब्जेक्ट है तो आप यूज करेंगे विल बी रिपीट माई वर्ड्स वंस अगेन आई और वी के साथ शेल भी यूज करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल भी यूज करेंगे देर इज नो डाउट कोई भी थर्ड पर्सन सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन इसका कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहाँ पर आपको सिंपली चेक करना है अगर आपको सब्जेक्ट आई है तो शेल भी यूज करिए वी है तो शेल भी यूज करिए अगर कोई और सब्जेक्ट्स है जैसे कि यू ही शी दे योर ब्रदर योर फादर लाइक दिस इफ देर इज एनी रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स यू हैव टू यूज

द बेस्ट डॉक्टर ऑफ दिस वर्ल्ड आई शैल बी द बेस्ट इंजीनियर ऑफ दिस वर्ल्ड सो दिस इज वॉट going to do in this today's class. So let's go ahead with this. So अगर हम present, past, future की बात करें तो present pe मैंने सिखा था अभी आपको कि आपका भाई doctor है Your friend or your brother is a doctor. Past में हमने इसी को sikha आपका भाई doctor था यानी कि कुछ दिन पहले की बात हम बता रहे हैं पास्ट की बात बता रहे हैं तो आइए से योर ब्रदर वॉज अ डॉक्टर बट अगर हमें अब यहां पे बता रहा हूं कि तुम्हारा भाई एक डॉक्टर बनेगा उसको बायोलॉजी पढ़ना बहुत पसंद है वो तुम्हारा भाई ना डॉक्टर बनेगा सो आइल से योर ब्रदर विल बी अ डॉक्टर योर ब्रदर Will will be be. a doctor. Here I am using दोनों को साथ में यूज करेंगे ध्यान रखिएगा Will be साथ में यूज करना है इसको अकेले या फिर अगर आप will को केवल डाल देंगे तो वो गलत हो जाएगा so, please make sure to use will be both. Will be a doctor.

टमोरो ही विल नॉट बी लेट टूमोर वह कल लेट हो जाएगा वह कल लेट नहीं होगा इस तरीके से आपको यूज करने अपने को फॉर एग्जाम्पल तुम आ, कल एक महान नेता बनोगे यू विल बी अ ग्रेट लीडर टूमारो यू विल बी अ ग्रेट लीडर टूमोर तुम्हारा भाई एक पुलिस ऑफिसर नहीं बनेगा यदर विल नॉट बी अलिस ऑफिसर योर ब्रदर विल नॉट बी अ पुलिस ऑफिसर इस तरीके से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेज ऐसे यूज करने हैं अगर आपको एक चीज हमेशा याद रखे वेन यू आर यूज इंग नेगेटिव सेंटेंसेज तो शेल या विल उसके बाद तुरंत आपको नॉट रखना है फिर बी को बाद में रखना है राइट शैल नॉट बी या नहीं तो विल नॉट बी लाइक दिस यू ऑल हैव टू यूज योर सेंटेंसेज इन फ्यूचर अगर हम बात करें इंटारोगेटिव सेंटेंसेस की तो रूल क्या कहती है हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख दीजिए शैल या विल को हम शुरू में रख देंगे उसके बाद सेंटेंस बनाएंगे विल यू बी अ डॉक्टर विल यू बी एन इंजीनियर विल यू बी लेट टू विल यू नॉट बी लेट टू लाइक दिस विल यू बी लेट टू विल यू नॉट बी लेट टू लाइक दिस वी हैव टू यूज इंटारोगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आगे बात करते हैं हम इंटारोगेटिव के साथ साथ डब्लू एच फॉर्मेट की डब्ल्यू एच फॉर्मेट वही जब क्वेश्चन वर्ड एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ जाए वो क्वेश्चन वर्ड वो सेंटेंस के बीच में आ जाए उसकी आंसर हम एक्सप्लेन करके ही दी जा सकती हैं और कोई तरीका उसका बचता नहीं है वे लोग ऑफिसर कब बनेंगे वैन विल दे बी ऑफिसर्स वेन विल दे बी ऑफिसर्स डब्ल्यू एच वर्ड को शुरू में यूज कर दीजिए और बाकी तो हमारा इंटारोगेटिव सेंटेंस वहां पर फिट हो जाएगा सिंपली यू हैव टू फोकस डब्ल्यू एच वर्ड इन दफ्ट दैट शाल फिर सब्जेक्ट फिर उसके बाद बी लगाइए और फिर ऑब्जेक्ट अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो सब्जेक्ट के बाद वहां पर नॉट एड कर दीजिए आपका ड्रामा so तुम ड्रामा में कल क्या बनोगे वट विल यू बी इन ड्रामा टूमारो वट विल यू बी इन ड्रामा टूमोर तुम कल के ड्रामा में क्या बनने वाले हो या क्या बनोगे एग्जैक्टली exactly, राइट right? क्या बनोगे आई um, से तुम डॉक्टर कब बनोगे वेन यू वेन विल यू बी अ डॉक्टर तुम्हारा भाई एक नेता कब बनेगा वेन विल योर ब्रदर बी अडर वैन विल योर ब्रदर बी अडर लाइक दिस यू हेल हैव टू यूज दिस सेंटेंस सिमिलर इन the सिमिलर वे सो दैट यू कैन स्पीक वेरी फ्लूंट इंग्लिश सो आई होप यू अंडरस्टूड दीज कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग शैल बी एंड विल बी वैन यू हैव टू टॉक अबाउट योर टू बी सेंटेंसेस फ्यूचर फ्यूचर की जब टू बी सेंटेंसेज की बात करेंगे तो आपको shall be, will be को में सेट करना है नेगेटिव होगी तो शैल नॉट बी और विल नॉट बी इसके कॉन्ट्रेक्शन की अगर हम बात करें तो शैल नॉट को हम शांट बोलते हैं और विल नॉट को वंट बोलते हैं पॉइंट माई डियर फ्रेंड शेल नॉट को शांट बोलेंगे और विल नॉट को बोलना पड़ेगा हमें वंट दिस इज कॉल्ड व So i hope you understood this concepts. you loved it enjoyed it and learned it i hope you understood everything from this video and thanks a lot for watching this video till then now uh, a request for you everyone is that uh, please practice after watching this video as well because only watching videos will not help you to speak english right you have to understand that you have to know this that you